हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम गूगल फोटोज में पार्टनर शेयरिंग करने की कंप्लीट A to Z सेटिंग को सीखने वाले हैं। पार्टनर शेयरिंग क्या होता है, किस तरह से आप अपने दोस्त, फैमिली मेंबर या फिर अपने फ्रेंड पार्टनर की फोटोज को यदि आप अपने मोबाइल में चाहते हैं देखना तो कैसे देख पाएंगे, किस तरह से पार्टनर शेयरिंग के थ्रू ये पॉसिबल है और इसको रिमूव कैसे करना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और दोस्त, होता क्या है, पार्टनर शेयरिंग करते टाइम जब आप अपने पार्टनर, दोस्त या फ्रेंड की फोटोज़ को अपने मोबाइल में देखते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं पार्टनर शेयरिंग, तो दोस्त इससे होता क्या कि आपके मोबाइल की फ़ोटो भी इस मोबाइल में जाने लग जाती हैं, आपके मोबाइल की भी फ़ोटो दिखने लग जाती हैं। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि इस मोबाइल अपने दोस्त के मोबाइल की फ़ोटो आप किस पर तो दिखे, आपके मोबाइल की फ़ोटो आपके दोस्त को ना दिखे, तो दोस्त इसके लिए कौन सी सेटिंग करनी होती है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो पार्टनर शेयरिंग से रिगार्डिंग आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत आसानी से पार्टनर शेयरिंग कर पाएंगे और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और सही सही सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। बस आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स कि गूगल फोटोज का अकाउंट आपके एक मेल आईडी से बनता है। अगर आप इस मोबाइल की फ़ोटो को अपने इस मोबाइल में देखना चाहते हैं तो अपने गूगल फोटोज का अकाउंट यानी कि जिस मेल आईडी से बना है उस मेल आईडी को आपको उस मेल आईडी को दोस्त इस मेल यहां पर इस फोन में यहां पर डाल देना है, ठीक है। तो चलिए हम यही चीज़ आपको करके दिखाते हैं। पहले यहाँ पर सबसे पहले अपने उस मेल आईडी को आप देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ टॉप में क्लिक करेंगे इस तरह से और यहाँ पर आपको मेल आईडी दिख जाती है जिससे आपका ये गूगल फोटोज़ का अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। आपको पहले तो उसी मेल आईडी को सेलेक्ट करना जिससे गूगल फोटोज़ का अकाउंट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आप मल्टीपल मेल आईडी यूज़ करते हो, तो जिस भी मेल आईडी से आपको गूगल फोटोज़ का अकाउंट बना है उस मेल आईडी को सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अब हम इस मेल आईडी को इस फोन में डालने वाले हैं। यहाँ पर पार्टनर शेयरिंग तक आने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पर अपने स्क्रीन पे फोटोज़ का एप्लीकेशन मिल जाता है आपके मोबाइल में गूगल फोटोज़ का, इसको ओपन करेंगे और इसको ओपन करने के बाद शेयरिंग का ऑप्शन नीचे मिल जाता है, इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो ऊपर आपको पार्टनर शेयरिंग ऑप्शन मिल जाता है। चलिए आप यहाँ से ही नेक्स्ट की प्रोसेस देख लेते हैं, अब क्या करने वाले हैं हम। तो आपका मोबाइल है और ये हमारा मोबाइल है, ठीक है ना, आप ये समझिए। तो आप अपने मोबाइल पर यहाँ शेयर विद पार्टनर पर आप हमारा मेल डाल देंगे ये हमारे मोबाइल का, तो हमें एक इन्विटेशन आएगा कि क्या आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उसका पार्टनर बनना चाहते हैं। तो दोस्त आप यदि एक्सेप्ट कर देंगे तो फिर इस मोबाइल की सभी फ़ोटो इस मोबाइल में जाने लग जाएंगी और इस मोबाइल की भी फ़ोटो आपके इस मोबाइल में आने लग जाएंगी, शो करने लग जाएंगी। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि इस मोबाइल की फ़ोटो इस मोबाइल में तो दिखें आपके मोबाइल में बट हमारे मोबाइल में ना दिखें, तो दोस्त कैसे करेंगे, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ये काम करके। ये आपका मोबाइल और ये हमारा मोबाइल, ठीक है। इसको हम शेयर विथ पार्टनर पर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मेल डालने को बोलेगा। यहाँ पर पहले तो हम चूज़ करेंगे कि आप क्या शेयर करना चाहते हैं। आप ये चूज़ करेंगे आप इस मोबाइल की जो फ़ोटो है आप इस मोबाइल यानी हमारे साथ आप क्या शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्त यहाँ पर जैसे कि इस मेल आईडी को आप यहाँ पर डाल रहे हैं इस वाले अपने मोबाइल में, तो आप क्या क्या चीज़ें अपने इस मोबाइल पर शेयर करना चाहते हैं, तो हम इसके बारे में और आगे चलकर काफ़ी डिटेल में समझेंगे। बट अभी थोड़ा सा हिंट में आप समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे कौन सेटिंग करनी है, ठीक है ना। तो चूज स्टार्टिंग डेट है, इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। चूज फोटो टू शेयर, अभी यहाँ पर भी हम कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर अभी हम सेलेक्ट पार्टनर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लास्ट में इस सेटिंग को समझेंगे इसका क्या मतलब है और एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आएंगे लेकिन अभी हम सेलेक्ट पार्टनर करेंगे। पहले तो हम परमिशन देते हैं, इनविटेशन सेंड करते हैं, या आपका मोबाइल है आप हमें इनविटेशन सेंड करेंगे। उसके लिए दोस्त आपको करना क्या होगा, हमें सेलेक्ट पार्टनर पर हमें चूज करना होगा। यहाँ पर आपको हमारी मेल आईडी डालनी होगी। अब मेल आईडी दोस्त तो किसी के पास हो सकती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अपनी मेल इस मोबाइल की मेल आईडी आप अपने मोबाइल पर डालेंगे, तो चलिए हम डाल लेते हैं यहाँ पे। फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस मोबाइल का मेल आईडी को यहाँ पे सर्च किया, जैसे यहाँ पर डालकर तो ये आ चुका है, यानी कि आप अपने मोबाइल में हमारा मेल आईडी को आपने डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको हमारा मेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे कंफर्म करना होता है। यहाँ पे आप कंफर्म करते हैं तो यहाँ से इन्विटेशन इस मोबाइल में जाएगा, इन्विटेशन सेंड हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से हमारे मोबाइल में आपने हमारा मेल अपने मोबाइल में डाला तो दोस्त इस मोबाइल में इन्विटेशन आ चुका है। अब व्यू इन्विटेशन करके इस पर हम देख रहे हैं कि किसने हमें इन्विटेशन सेंड किया है और हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्त यहाँ पर आपको आपके पार्टनर, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, किसी के साथ भी जिसके साथ आप पार्टनर शेयरिंग कर रहे हैं, तो दोस्त यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इसका क्या मतलब है आप जान लीजिए। दोस्त जैसे आपको हमारी फ़ोटो देखनी है तो आपने तो हमारा मेल आईडी यहाँ पे अपने डाल लिया है और हमें इनविटेशन सेंड किया है, ठीक है। इसी तरह से आप किसी की फ़ोटो देखना चाहते हैं तो इसी तरह से उसकी मेल आईडी अपने मोबाइल में डालेंगे और उसको इन्विटेशन सेंड होगा। अब दोस्त अब उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर ये यहाँ पर आपको जब इन्विटेशन आप उसे सेंड करते हैं तो वो यहाँ पर क्या चीज़ें सेलेक्ट करता है और फिर कन्फर्म करता है।
तो दोस्तों यहाँ पर वो चाहे तो एक डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी मैं चाहूँ तो एक डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ कि आप इस डेट तक ही हमारे पार्टनर शेयरिंग करेंगे, यानी कि आप हमारी फोटो देख सकते हैं। अब यहाँ पर पार्टनर शेयरिंग का मेन उद्देश्य होता है दोस्त फोटो का आपस में शेयर करना है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर सिंस स्पेसिफिक डेट, तो आप डेट फिक्स कर सकते हैं। चूज फोटो टू शेयर, यहाँ पर आप फोटो शेयर करने के लिए आप कौन सी फोटो शेयर करना चाहते हैं इस मोबाइल में अपने दोस्त के साथ, यानी कि हम अपने फोटोज को आपके साथ कौन कौन सी फोटो शेयर करना चाहते हैं हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पर हम नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम सभी फोटोज को रहने देते हैं और कन्फर्म कर देते हैं इस तरह से। अब दोस्त यहाँ पर जैसे हम कन्फर्म करेंगे तो इस तरह से स्कैनिंग करेगा और इस तरह से कुछ शो करेगा। तो अब दोस्त यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपके मोबाइल की सभी फोटो इस मोबाइल में आ चुकी हैं, देख सकते हैं आपके मोबाइल की कंप्लीट फोटो इस मोबाइल में आ चुकी हैं। और इस मोबाइल की फोटो अब हम देखें क्या इस मोबाइल में भी गई हैं, तो यहाँ पर चलिए हम इसको देख लेते हैं। फोटोज ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आएंगे आप शेयरिंग के ऑप्शन में, फिर से आएंगे फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं शेयरिंग के ऑप्शन में आ चुका हूँ और यहाँ पर आ गया हूँ, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इस मोबाइल की फोटो आपको इस मोबाइल में शो कर रही है क्या, तो यहाँ पर हम व्यू फोटोज पर करेंगे क्लिक। देख सकते हैं यहाँ पर वो सभी फोटोज, सभी वीडियो, जितने भर बैकअप हैं इस मोबाइल का, जितना भर फोटो है इस मोबाइल में दिखेगा। अब लेकिन दोस्त पार्टनर शेयरिंग में कौन सी फोटो दिखती है केवल, तो यहाँ पर पार्टनर शेयरिंग में केवल वही फोटो आपको दिखती है, यानी कि हमारी वही फोटो आपको इस मोबाइल में अपने फोटो में, यानी कि दोस्त आपको हमारे मोबाइल की वही फोटो आपको इस मोबाइल में दिखेंगी जिन फोटोज का मैंने बैकअप बना रखा है, यानी कि गूगल फोटोज में जिन फोटोज का मैंने बैकअप बना रखा है, ठीक है। तो दोस्त आप यदि चाहते हैं किसी दोस्त या पार्टनर की फोटो को देखना, तो आप वही फोटो देख पाएंगे जिनका उन्होंने गूगल फोटोज में बैकअप बना लिया है, ठीक है ना। जिनका उसने गूगल फोटोज यानी इस मेल आईडी में उसने फोटो को बैकअप बना लिया है। बैकअप कैसे बनाना है यदि आप सीखना चाहते हैं तो दोस्त आपको एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा बैकअप कैसे बनाते हैं गूगल फोटोज में। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस मोबाइल की यहाँ पर सभी फोटो इस मोबाइल में आ रही हैं और आपके इस मोबाइल की फोटो यहाँ पर ये सभी शो कर रही हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल की नहीं, इस मोबाइल की फोटो इस मोबाइल में ना जाए, बस आपको बस देखने को मिल जाए इस मोबाइल की फोटो आपके मोबाइल में देखने को मिल जाए, ठीक है ना। ये आपका मोबाइल है और ये मेरा मोबाइल है, तो मेरे मोबाइल की फोटो आप इसमें तो आ रही है बट आपके मोबाइल की भी फोटो हमारे इस पे शो कर रही है, तो इस चीज को आप कैसे रोक सकते हैं, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर बैक आना है, यहाँ पे देख सकते हैं शेयरिंग के ऑप्शन में आएंगे, व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेटिंग में क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेटिंग में क्लिक करेंगे। हम एक्चुअल में अपने मोबाइल की जो फोटो है इस मोबाइल पे जाने से रोकना है, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल फोटोज है तो फोटो ऑफ स्पेसिफिक पीपल्स, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्त आपको वही फोटो सेलेक्ट करनी है, कौन सी फोटो सेलेक्ट करनी है आपको कि जिस जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, जो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उसका केवल एक व्यक्ति को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब दोस्त होगा क्या इससे, इससे केवल इस व्यक्ति की फोटो इस पर जाने लग जाएगी लेकिन सही फोटो इसमें एक्सेस नहीं जाएगा, लेकिन इसकी सही फोटो आप किस पर दिखेंगे। अब ये पार्टनर शेयरिंग है तो आपको कुछ ना कुछ तो शेयर करना पड़ेगा, तो आप किसी पर्टिकुलर ऐसे व्यक्ति की फोटो ले लीजिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो अपने मोबाइल में, ठीक है, फिर उसको इसी तरह से सेलेक्ट कर दीजिएगा, इस तरह जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसको हम डन करेंगे, इतनी सारी फोटो आ रही है, अभी जस्ट केवल इसी व्यक्ति की फोटो इस पर आना चालू हो जाएगी, तो हम डन करेंगे, बाकी सब हट जाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं हमने डन कर दिया है, अब देख सकते हैं नथिंग टू सी हियर, अब यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अब चलिए हम बैक करके फिर से इसे रिफ्रेश मारेंगे और फिर देखेंगे, तो यहाँ पर हम फिर से रिफ्रेश मार दिए, अब देख सकते हैं हमारे इस व्यक्ति के साथ जितनी बार फोटो होगी वही शो करेंगी इस मोबाइल में। इस मोबाइल में दोस्त जितनी बार फोटो इस व्यक्ति की होगी तो वही आएंगी इस हमारे मोबाइल में, ठीक है ना। तो दोस्त इसीलिए मैंने बोला कि आप जो है अपने मोबाइल में केवल ऐसे किसी व्यक्ति की फोटो खींच लीजिए जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, एक फोटो रख लीजिए, उसी व्यक्ति की परमिशन दे दीजिएगा, क्योंकि पार्टनर शेयरिंग है तो कुछ ना कुछ तो शेयर करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इसमें हम आ गए हैं, तो देख सकते हैं हमको एक पर्सन को सिलेक्ट किया था तो वही पर्सन इस पर शो कर रहा हमारे मोबाइल में, और इस मोबाइल की सभी फोटो लेकिन इस मोबाइल में आ रही है, ठीक है ना। इस मोबाइल की सभी फोटो इस मोबाइल में बैकअप जो है शो कर रहा, देख सकते हैं। इस तरह से दोस्त आप जो है अपना जो है पार्टनर शेयरिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं पार्टनर शेयरिंग में हमने जितना भर बैकअप हमारे मोबाइल का जितना भर बैकअप आप देख पाएंगे, बट आपके मोबाइल का बैकअप केवल एक व्यक्ति का मैं देख पाऊंगा यहाँ पे, है ना। इस तरह से दोस्त आप जो है पार्टनर शेयरिंग कर सकते हैं। पार्टनर शेयरिंग करने से केवल आप फोटो का आदान प्रदान करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे को, लेकिन आप यदि चाहते हैं पर्टिकुलर कि आपकी फोटो ज्यादा ना जाए इस पे, तो आप एक व्यक्ति की किसी सेलेक्ट कर दीजिए और इसके पार्टनर शेयरिंग करते टाइम जो मैंने सेटिंग दिखाया दे आप कर देते हैं, जो जो स्टेप मैंने फॉलो किए,
तो इस मोबाइल की कंप्लीट फोटो आपको इसमें आ जाती है। जैसे आपने अभी सेटिंग करके मैंने दिखाया आपके मोबाइल में कि आपने जैसे ये सेटिंग कर दोगे तो यहाँ पर केवल एक व्यक्ति की फोटो आ रही है, इसी तरह से मैं अगर सेटिंग कर दूँ तो आप भी इसी तरह से एक फोटो देख पाएंगे, लेकिन सामने वाले को यानी आपके दोस्त को यदि नहीं पता है तो दोस्तों वो नहीं कर पाता है ऐसी चीजें, तो फिर आप उसके मोबाइल की सभी फोटो देख पाएंगे। तो यहाँ पर गूगल फोटोज में पार्टनर शेयरिंग की केवल वही फोटो आप देख पाएंगे जो आप बैकअप लेकर रखते हैं। सभी फोटो बैकअप ली गई हैं तभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर बैकअप में नहीं लिया होता तो इसे आप नहीं देख पाते। जैसे कि अगर कोई फोटो देखें, देख सकते हैं यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यानी कि बैकअप लिया गया है इसलिए इसका बैकअप का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब हम रिमूव करने की प्रोसेस भी देख लेते हैं, यहाँ पर रिमूव कैसे करते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेटिंग में क्लिक कर जाएंगे, रिमूव पार्टनर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिमूव पर क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा यहाँ पर शेयरिंग के ऑप्शन से, और यहाँ पर ये रिमूव हो चुका है, कोई भी फोटो यहाँ पर नहीं आएंगी। चलिए हम इसको देख लेते हैं, लो फिर से ओपन करके इसे शेयरिंग पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं पार्टनर रिमूव हो चुके हैं। अब दोस्त यहाँ पर बैकअप कैसे बनाते हैं उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, फोटोज़ के ऑप्शन में जाना होता है, आपको सेलेक्ट करनी होती है किस चीज़ का बैकअप बनाना है, इस तरह सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं बैकअप का ऑप्शन आता है, बैकअप बना देंगे तो इस मोबाइल की ये वाली फोटो भी इस मोबाइल में शो करने लगती है, अगर जब हम पार्टनर शेयरिंग कर देते हैं तो, ठीक है ना। तो जिन जिन फोटो का बैकअप बना होता है आपके गूगल फोटोज़ में, आपके मेल आईडी में, वही फोटोज़ जो है इसमें शो करेंगे। और कैसे करना पार्टनर शेयरिंग मैंने आपको दिखाई दिया है, इस तरह से मेल यहाँ पर डालते हैं। यदि आप अपने मोबाइल में हमारे मोबाइल की फोटो देखना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल की मेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, इनविटेशन जाएगा, एक्सेप्ट अगर मैं कर देता हूँ दोनों में आपस में सभी फोटो शेयर हो जाएंगे एक दूसरे की। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि अपने मोबाइल कैसे रोकना है तो मैंने ये भी चीज़ दिखा दिया है, और दोस्त बैकअप कैसे लेते हैं ये भी चीज़ बता दिया है। धन्यवाद, चैनल विजिट करने के लिए, वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।